नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए चुनाव नतीजों के बारे में, जिसको लेकर दो बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि चुनाव के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी की भर्तियों के लिए भी है। खास तौर पे अगर बात की जाए नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई और भर्ती। साथ में हम बात करने वाले हैं 1,26,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा और भी तमाम अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों के बारे में, चुनावी आचार संहिता को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की हाल ही में आप सभी के सामने मतगणना देखने के लिए मिली, जिसके नतीजे आप सभी ने अलग अलग न्यूज चैनल्स के माध्यम से देख लिए होंगे। हालांकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर देखने के लिए मिला है बीजेपी का, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इनका ज़्यादा बड़ा प्रभाव किसी पार्टी के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कहने की जीत देखने के लिए मिलती है वो उस चेहरे के लिए देखने के लिए मिलती है जिन्होंने यहाँ पर काम किया होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो वोट देखने के लिए मिलते हैं वो उनको दिए जाते हैं जो उनके काम आते हैं, यही वजह है। लेकिन इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यहाँ पे एक बार फिर से बीजेपी का एक अच्छा आंकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, तो चुनावी आचार संहिता भी लगी हुई थी, और चुनावी आचार संहिता लगी होने की वजह से बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थीं, चाहे वो नई भर्तियाँ हों या फिर इसके अलावा पुरानी भर्तियाँ, उनको लेकर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से रोक सी लग गई थी। अब ऐसे में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो रही है, तो साथ ही साथ जो भर्तियाँ रुकी हुई थी, चाहे वो नई भर्ती हो या फिर पुरानी भर्ती, उन सभी के यहाँ से जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। तो पहली अपडेट आप सभी के सामने ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव खत्म होने के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म होगी, और उसके साथ ही जो नई भर्तियां पुरानी भर्तियां हैं उनके रास्ते भी यहां से पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे। लेकिन आज ही एक और नतीजे देखने के लिए मिले चुनावों को लेकर, जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक के अंदर भी अगर बात की जाए आज चुनाव का मतगणना देखने के लिए मिली, जिसके अंदर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है, जिसके बारे में आपने सुधीर चौधरी के माध्यम से की गई रिपोर्ट को भी सुना होगा, जिसमें एक पक्ष की तरफ कहने की उन्होंने ज़्यादा झुकाव करते हुए बताया। क्या कहा वो मैं आप सभी को आगे सुनवाता हूँ, लेकिन पहले अगर बात कर ली जाए कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बारे में तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे कांग्रेस को लगभग 136 सीटों के साथ में बहुमत साबित करने के लिए एक अच्छा आंकड़ा मिल चुका है, तो वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर 39 सीटों का नुकसान के साथ में कुल 65 सीट देखने के लिए मिली हैं। इनमें अभी कुछ के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन जो बहुमत है लगभग आप सभी के सामने पूरी हो ही जाएगी। तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका भी लगा है। इसी को लेकर सुधीर चौधरी ने एक लंबी चौड़ी पेशकश भी की है। क्या कहता है सुधीर चौधरी, आप सभी यहाँ से सुन सकते हैं। जो मोदी का फैन है वो अभी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे आप फ्लोटिंग जनसंख्या कहते हैं, जो बॉर्डर पर बैठी है, जो ये देखती है कि हमें किस में फायदा है, जिसे अपना परिवार का पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है, ये वो लोग हैं। ये छात्र हैं जिन्हें आगे चलकर नौकरी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं ये देखते हैं कि हमें फायदा कहां हो रहा है, और उन्हें लगा कि फायदा कांग्रेस के साथ जाने में है, इसलिए वो कांग्रेस। अब कर्नाटक के अंदर बड़ी हार के बाद में कहीं ना कहीं दो बातें तो यहां से पूरे तरीके से तय हैं। जैसा कि आप सभी ने न्यूज के माध्यम से भी सुना, उसमें उनका कहना यह है कि शिक्षा रोजगार को लेकर या फिर अगर बात की जाए नौकरियों के बारे में, तो जो युवा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं सत्ता पलट किया गया है। ऐसे में एक बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, खास तौर पर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन तमाम चुनावों को ध्यान में रखते हुए इन चुनावों के अंदर जो तगड़ी हार देखने के लिए मिली है, क्या इनसे नई भर्तियों के ऐलान किए जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्तियों को लेकर युवाओं के माध्यम से अपनी अपनी मांग रखी जा रही है, और ये खासतौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर ही, तो
तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से। लेकिन सरकार का कहने की ध्यान नई शिक्षक भर्तियों के लिए खास तौर पर देखने के लिए नहीं मिला है, चाहे हम बात करते हैं एलटी को लेकर, प्राइमरी के बारे में या फिर कई अलग अलग भर्तियों के बारे में। तो ऐसे में हाल ही में चुनावी नतीजे आ जाने के बाद से निश्चित तौर पर सरकार को एक बड़ा झटका तो लगा ही है। अब जहां पर पहले से बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर कहने की सरकार को शिक्षा, रोजगार और भर्तियों को लेकर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि जो यहां पर कहने की अभ्यर्थी लगातार काफ़ी लंबे समय से भर्तियों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नौकरी में या फिर भर्तियों में बैठने का मौका मिले, जिससे कि उनको महसूस हुए कि सरकार उनकी बातों को सुन रही है। लेकिन आपकी राय क्या है वो कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, 1,26,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आपके सामने दो अपडेट देखने के लिए मिलती हैं। पहली अपडेट तो यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जो निकाय चुनाव देखने के लिए मिले हैं उसकी जीत से ज़्यादा कहने की सरकार को इस बात का दुख होगा कि कर्नाटक के अंदर उनकी यहाँ पर सरकार नहीं बनी, और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर मंथन करने की उनको आवश्यकता होगी कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह क्या देखने के लिए मिली। निश्चित तौर पर वजह आप जानते हैं कि आजकल जो पुराने मुद्दे वो कम चल पाते हैं, जो नए मुद्दे हैं वो आप सभी के सामने हैं, चाहे वो शिक्षा, रोजगार या फिर अगर बात की सुरक्षा को लेकर हो, यही कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर युवाओं का कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो देखने के लिए मिलता है, और इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को भी मंथन करने की आवश्यकता है। तो नई भर्तियों को लेकर निश्चित तौर पर से कहीं ना कहीं सरकार को विचार करने मजबूर कर देगा कर्नाटक के चुनाव के नतीजे, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका कहने की डैमेज कंट्रोल तो किया जाएगा अलग अलग राज्यों के अंदर कि वहाँ पे इस प्रकार का डैमेज ना हो। साथ ही साथ दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता खत्म हो चुकी है, 1,26,000 पद खाली होने की जानकारी सरकार ने हाल ही में आप सभी को बताया कि केंद्र सरकार की बैठक के अंदर दी थी। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के साथ ही चुनावी आचार संहिता खत्म हो रही है, तो अभ्यर्थियों के माध्यम से 1,26,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए निश्चित तौर पर दबाव बनाकर सरकार के सामने सवाल खड़े किए जाएंगे। इसी के संबंध में अभ्यर्थी 18 मई 2023 को लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जानते हैं कि हाल ही में सरकार को जो कहीं की डैमेज हुआ है अब उस पर एक सरकार को बताने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता भी यहाँ से पूरे तरीके से साफ हो सकता है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई है, अभ्यर्थियों के पास एक अच्छा मौका भी है अपनी कहने की नाराजगी दिखाने का और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अब ये तो बाद में तय होगा जब इको गार्डन में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, एडेड जूनियर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो इन दोनों भर्तियों के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि 15 तारीख यानी कि सोमवार को इन दोनों मामलों पर सुनवाई होने वाली है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण घोटाले को लेकर और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो विवाद लगे हुए हैं उनके संबंध में। देखना ये होगा कि 15 तारीख को होने वाली सुनवाई में कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है, चूँकि दोनों ही मामलों को लेकर निर्णायक सुनवाई चल रही है। जैसे ही यहाँ से आदेश जारी होगा दोनों भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।